नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। स्पेशल बच्चों और युवाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए अपनी तरह का पहला आर्ट फेस्टिवल द आर्ट फेस्टिवल फॉर इंक्लूजन TAFI गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी सेक्टर 10 में आयोजित किया गया। इस आर्ट फेस्टिवल में 100 से अधिक स्पेशल बच्चों तथा युवाओं ने भाग लिया और एक लंबे स्क्रॉल पेपर पर अपनी क्रिएटिविटी को प्रदर्शित किया। कार्यक्रम में GRRID सेक्टर 31 चंडीगढ़ प्रभ आसारा मोहाली भवन विद्यालय सेक्टर 27 चंडीगढ़ के अलावा अन्य स्कूलों के बच्चे भी आए हुए थे, जिसमें प्रतिभागियों ने पूरे दिल से कागज पर अपनी कल्पना व्यक्त की। उनके द्वारा बनाई गई कलाकृतियों को दर्शकों के लिए प्रदर्शित किया गया। आइए अभी मिलते हैं हम छोटी गुड़िया से, यशिका मोदी से। यशिका की आपका क्या इंटरेस्ट है, क्या सिंगिंग करती हो, ड्राइंग करती हो, क्या करती हो? सिंगिंग करती हूं। तो कोई गाना गा के सुना सकते हो? सुनाओ सुनाओ। कुछ बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से सामान्य बच्चों से अलग होते हैं, कुछ ना समझ लोग उन बच्चों को देख के हंसते भी हम जाके करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये परमात्मा के दिए हुए विशेष बच्चे होते हैं। आइए आज मिलते हैं कुछ विशेष बच्चों की मदर से कि रोज़मर्रा में ये बच्चों का क्या रूटीन रहता है, उनकी कैसे देखते हैं, कैसा नर्सरी से वहीं जा रही है, तो सभी टीचर्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं, बच्चे भी करते हैं,
कही जाती है कि जो बच्चे अपने परमात्मा का रूप देखे थे उन पर किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं होती, नफरत नहीं होती है, उनके साथ अपना ध्यान से करती है। मैम आप तो अपना क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? सर सारे एक्सपीरियंस बुरे हैं मेरे, तो मैं तो स्कूल में गई हूँ, कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिला। तो फिर आपने स्टडी कैसे पूरी करवाई अपने बच्चों? मैंने NIO से। तो कहीं ना कहीं सरकार का भी पूरा काम नहीं हो पा रहा है। हालांकि सरकार इन बच्चों के लिए बहुत बड़े बड़े दावे करती है कि हम स्पेशल चाइल्ड के लिए बहुत कुछ लेके आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दावे भी खोखले नज़र आते हैं। जब इन बच्चों को देखते हैं, इनके बच्चों को दिक्कतें को देखते हैं, तो बात करने में पता चलता है कि बच्चों को कितनी दिक्कतें आ रही हैं। ये जो प्यारे बच्चे हैं, जो ये परमात्मा की देन है, इनको आज के समाज अपने में शामिल करने में बड़ी दिक्कतें महसूस करता है, शर्म महसूस करता है, जबकि इन बच्चों से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। एक पेरेंट्स और यहाँ खड़े हैं। मैम आपका कैसा रहा? मेरा बेटा है इतना जो खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।